الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورة المومنون میں اس آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں نے کچھ تفصیل فرقہ واریت کے حوالے سے بیان کی تھی واضح کرنے کا مقصد آپ لوگوں تک یہ حقیقت پہنچ جائے کہ ہم اہل سنت و جماعت سنی اور آج کل جن کے ساتھ بریلوی کا لفظ لگا دیا جاتا ہے وہ ہیں جو صحابہ کرام اہل بیت سے شروع سے اب تک صحیح عقائد پر قائم ہیں تسلسل کے ساتھ فرقہ ناجیہ مزید تفصیل انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو اس سے الگ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو فرق کر کے فرقہ بنایا
और असल तालीमात से दूर हुए। हमारे लोग जो नौकरी पेशा, तिजारत पेशा, वक्त नहीं निकालते सीखने का, जानने का, कभी कभी थोड़ी सी गुफ्तगू की वजह से उनके जहन उलझे रहते हैं, कभी सफर में गुफ्तगू हो गई, कभी किसी से सुन ली, तो चूंकि उन्होंने तफसील से एक जगह सारी बात हकीकत नहीं सुनी होती, उलझे रहते हैं। चंद जुमले उसके सुने हुए हैं, चंद जुमले किसी और के सुने हुए हैं, चंद बातें किसी और की सुनी हुई हैं। पहले एक जगह बैठ के हकीकत जान लो, इतना टाइम नहीं निकालते तो वो उलझन खत्म नहीं होती। फिरकावारियत के हवाले से मुतअद्दिद आयतों में तफसील से पहले भी बयान हुआ, लेकिन ये आयत आई थी इसलिए मैंने कुछ बयान किया। पहले इन दोनों आयतों का तर्जमा, फिर मजीद गुफ्तगु। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता हुआ, इन्ना हाजी उम्मतुकुम उम्मतं वाहिदा, और बेशक ये तुम्हारा दीन एक ही दीन है। वाना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा रब हूं तो मुझसे डरो। फतकत्तऊ अमरहुम बैनहुम जुबुरा, तो उनकी उम्मतों ने अपना काम आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। कुल्लु हिज्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह जो उसके पास है उस पर खुश है। ये जो बयान है इसकी कुछ तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, आपने फैसला करना है। मैं कुछ बातें दोहराऊंगा और कुछ बातें वाजे करूंगा। लाइए जी, जल्दी करें, जो मैं कह दूं ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से हमको दीन मिला। ध्यान से सुनते जाएं, इस दीन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद फरमाया और हमें अता किया, हमें मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक से उम्मत को मिला सहाबा और अहले बैत के जरिए, ठीक है। पहले भी बता चुका, दीन के माने कानून के, मजहब के माने रास्ते के, मसलक के माने भी रास्ता, मिलाने वाला रास्ता। हमारा दीन इस्लाम, मजहब चार है, हनफी शाफई मालिकी हंबली, मसलक एक है अहले सुन्नत व जमात। कौन सा मसलक? आवाज आए, याद रखना है, अहले सुन्नत व जमात। अरबी में कहेंगे तो अहलु सुन्नति वल जमात, लेकिन कुछ लोग जो वो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं वो गलत कहते हैं। बहरहाल तवज्जो, चूंकि वो है नहीं तो नाम भी गलती होगा ना। बहरहाल एक लफ्ज में कहा जाता है सुन्नी, एक लफ्ज में क्या कहा जाता है, आजकल बरेलवी कहते हैं, उसकी बात भी आगे होगी, पहले यह सुन ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन मिला। कुरान कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाही जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में टुकड़े टुकड़े ना हो।
इस आयत को पढ़कर कोई ये कहे कि आज तो इतना कुछ है तो फिर आयत पर अमल नहीं हो रहा। अब हबलुल्लाह यहां बयान है, हबलुल्लाह क्या है, अल्लाह की रस्सी क्या है। तफसीर में अगर हम जाएं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, जाते रसूल, क्या है हबलुल्लाह? वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत शान को मानने के लिए तैयार ही नहीं, ऊपरी दिल से दो चार बातें अगर कर लेते हैं तो पहले उनसे कहो ये तो फैसला करो हबलुल्लाह है क्या। खैर, अब मसला ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं क्या उसके बाद हमें किसी और पर तवज्जो देनी है? सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने? बनी इसराइल में 71-72 हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब दोजख में जाएंगे। इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। इसका मतलब यह हुआ कि 72 नारी और एक नाजी, 72 नारी जहन्नम में जाने वाले और एक नाजी नजात पाने वाला। तो जो नजात पाने वाला है उसको कहते हैं फिरकाए नाजिया। क्या कहते हैं? नजात पाने वाला, याद रहेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। अब 5-6 हदीसें हैं, मैं एक जगह जमा करके आपको सुना रहा हूं मफहूम। फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा और बाकी सारे जहन्नमी। सहाबा ने पूछ लिया मेहरबानी की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाजी नजात पाने वाला कौन सा, उसकी पहचान क्या है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जिस मैं जिस तरीके पर हूं और मेरे सहाबा। जो मेरे तरीके पर, जो मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके। यहां से लफ्ज निकला अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत का मतलब नबी के तरीके वाले, जमात और सहाबा वाले, सहाबा के तरीके वाले। ये मैं पहले बता चुका कि अहले सुन्नत व जमात का लफ्ज को 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 4वीं, 3वीं, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं, 34वीं, 35वीं, 36वीं, 37वीं, 38वीं, 39वीं, 40वीं, 41वीं, 42वीं, 43वीं, 44वीं, 45वीं, 46वीं, 47वीं, 48वीं, 49वीं, 50वीं, 51वीं, 52वीं, 53वीं, 54वीं, 55वीं, 56वीं, 57वीं,
सहाबा से चला आ रहा है, हदीसों में यह लफ्ज मौजूद है। अहले सुन्नत का ये जिक्र हदीसों में, सवाद आजम का लफ्ज हदीस में मौजूद है। और एक हदीस तो मैंने आपको सुना दी थी जो उनकी किताब में भी लिखी हुई है, फजाइल दुरू शरीफ में, और हजरत सैयदना इमाम जैनुल आबिदीन के हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा दुरू शरीफ भेजना अहले सुन्नत होने की निशानी है। उनकी किताब से भी हदीस का वो जो हवाला, तो असल किताब का, लेकिन उनमें भी मौजूद। तवज्जो, अहले सुन्नत सहाबाए किराम, अहले सुन्नत ताबईन, अहले सुन्नत तबा ताबईन, अहले सुन्नत अइम्मा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन औलियाए कामिलीन जमी मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं नाम गिनवाऊं, जितने नाम मैं याद से भी लेता जाऊं अगला जुम्मा आ जाए खत्म ना हो। कौन कौन सुन्नी है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, अशरा मुबशरा, बाकी छह सहाबा, चलो बरकत के लिए नाम लेते हैं,
हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद, हजरत सईद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू उबैदा, ये कितने हो गए? 10 साहबा जिनको जन्नत की खुशखबरी मिली, बदरी, ओहद वाले, सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साहबा, अहले बैत, नबी पाक की अजवाज, ये सब कौन है? सुन्नी। कौन है? कौन है? सुन्नी। आगे चले, साहबा को देखने वाले, साहबा का जमाना पाने वाले ईमान वालों को ताबेई कहते हैं, जिन्होंने साहबी को देखा और उनकी इत्तबा की, पैरवी की, ताबेई। उन ताबेईन में हजरत इमाम हसन बसरी है, उनमें हजरत उवैसे करनी है, उनमें इमाम आजम अबू हनीफा हैं। ये आगे नाम लेते जाइए, ये सब भी ऊंची। आगे चलें, मैंने तो कहा ना सिर्फ झलकियां, अगर मैं सारे नाम लाऊं आपके सामने हफ्ता हो जाए नाम लेते हुए, नाम खत्म ना हो, आपको सिर्फ झलक दिखाने। उसके बाद तबा ताबईन, जिन्होंने ताबईन का जमाना पाया, उनको देखा और उनकी पैरवी की, उसके बाद सारी उम्मत तबा ताबईन है। बहरहाल उनमें नाम लीजिए, उनमें हजरत इमाम मालिक को देखिए, इमाम शाफई को देखिए, इमाम अहमद बिन हम्बल को देखिए, उनमें देखना है हजरत मारूफ करखी को देखिए, हजरत जुनैद बगदादी को देखिए, देखना है गौसे आजम को देखिए, दाता गंज बख्श को देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए। अरब के जितने बुजुर्ग, मिस्र के जितने बुजुर्ग, उनके नाम लूं, वो सब के सब कौन है? ऊंची। मैंने आपके सामने कहा मोहियुद्दीन, मोइनुद्दीन, शहाबुद्दीन, बहाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन, नूरुद्दीन, हुसामुद्दीन, सलाहुद्दीन, ये सब सुन्नी है। ये सब कौन है? अल्लाह अकबर या रसूल। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इत्तबिउ सवाद अल आजम, ये जो बड़ी जमात है फिरका नाजिया, इसकी पैरवी करो, जो इनसे अलग हुआ वो आग में गया, जो अहले सुन्नत व जमात से अलग हुआ वो कहां गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात पर है, अल्लाह का हाथ जमात पर। मन शज्जा शुज्जा फिन्नार, जो इनसे अलग हुआ वो आग में गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उम्मत को देख ले, सारा 1400 साल में अहले सुन्नत व जमात जो इनसे अलग हुए हैं, वो राह राहे मुस्तकीम पर, सिराते मुस्तकीम पर नहीं। अब मसला आ जाएगा, नाम बहुत से हैं, आप कहेंगे जी अगर लफ्ज एक सुन्नी है तो फिर बरेलवी लग गया, कभी कहते हैं मसलक ए खैराबादी कहते हैं, कभी मसलक ए आला हजरत कहते हैं जनाब। फिर अगर देखा जाए तो मातुरीदी मजहब के लिहाज से कोई अशरी है, कोई हनफी में भी दो शाखे हैं, आगे शाफियों में शाखे हैं। अगर तरीकत में आए तो कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोरवर्दी, फिर चिश्तियों में निजामी है, फिर चिश्तियों में साबरी है, फिर चिश्तियों में रामानी है, फिर चिश्तियों में आगे अशरफी है। ये तो सिलसिले बहुत से नाम हैं, तो सुन लो, जड़ एक होती है, जड़ आगे निकलता है तने से, फिर शाखें, टहनियां, छोटी छोटी टहनियां, उनसे आगे और छोटी, मगर जड़ ऊंची। अगर आपको समझना है वो जो 72 है वो अलग, इस 73 में ये नाम पहचान के लिए अलग अलग हैं, तो सारे सुन्नी, गौस पाक सुन्नी, ख्वाजा गरीब नवाज सुन्नी, हजरत शहाबुद्दीन नक्श सोरवर्द सुन्नी, ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद सुन्नी, दाता साहब ऊंची, बाबा फरीद
ऊंची, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी, जितने औलिया सारे सुन्नी। तो मैंने बताना सिर्फ ये है कि आपको ये जान लेना चाहिए कि एक जड़ है, इससे आगे ये सारे नाम सुन्नियों ने पहचान के लिए, असल एक है। हाँ, जो अलग हो जाए उसका जिक्र करो। इन सब के अकीदे में कोई फर्क, भाई नक्शबंदी है या कादरी है, चिश्ती है या सोरवर्दी, अकीदे में कोई फर्क है? ऊंची मातुरीदी है या अशरी है, अकीदे में कोई फर्क है? नहीं। हनफी है, मालिकी है, शाफई है, अम्बली है, अकीदे में कोई फर्क है? नहीं। अकीदा एक है तो ये सारे एक। हाँ, वो जो इनके इनसे अलग है, जिनके अकीदे अलग है, उनकी जितनी भी जड़ें हैं, उनकी जितनी भी शाखें हैं, वो सारी गलत। ये एक है फिरका नाजिया, और इसका नाम हदीस से, इसका नाम नबी से, सवाद आजम एहले सुन्नत व जमात। सवाद आजम के माने बड़ी जमात, एहले सुन्नत नबी के तरीके वाले, जमात और साहबा, नबी और साहबा के तरीके वाले, एक लफ्ज में कहते हैं सुन्नी। अब आप कहेंगे लफ्ज बरेलवी, तो ये बरेलवी लफ्ज क्यों आया? आप लोगों ने शुरू में, मुसलमान जितने थे दुनिया भर के, अरबी जरूर पढ़ते थे, अरबी। यहां आवाज लगाने को तैयार नहीं है, पढ़ने को कहां से तैयार होंगे आप? अरबी जरूर पढ़ते थे। मैं तवज्जो दिलाने के लिए आपसे कहलवाता हूं ताकि आपकी तवज्जो आए। हमारे इस हिंदुस्तान जिसको कहा जाता था, इस बर्रे अजीम में जबान थी फारसी, उर्दू शुरू हो गई थी दरमियान में, असल जबान यहां फारसी बोली जाती थी। अरबी हर बच्चे को खासी हद तक पढ़ा दी जाती थी, आती थी, इल्म से वाबस्ता थे, आपकी इज्जत थी, शोहरत थी, नाम था, आपने इल्म से